सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपको मरते दम तक काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ग्रूमिंग ट्रिक्स विच यू हैव टू नो एंड विच विल मेक यू स्मार्टर, हैंडसम एंड मेक्स योर लाइफ अ लिटिल बिट इजियर। सो गाइस लेट्स गो टू ट्रिक नंबर 1 विच इज ब्लैक हेड्स को निकालना है। आपके पास नहीं है कोई पील ऑफ मास्क, कोई एक्सफोलिएटर ना स्क्रबर, तो आपको जाना होगा अपने घर के टूल बॉक्स के पास एंड आपको लेना होगा ये डक्टाइल टेप जो आपके ब्लैक हेड्स को खींच के निकाल देगा। सिंपली इसे निकालना है एंड अपने नोज पर जहां आपके ब्लैक हेड्स है वहां लगाना है। ओके, मैं कॉल ले लेते हैं क्योंकि मेरा यहां भी थोड़ा ब्लैक हेड्स है एंड देन आपको थोड़ा वेट करना है इसे अच्छे से चिपकने के लिए। मेक श्योर कि आपके फेस में कोई ऑयल ना हो जिसकी वजह से ये अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो आप फिश वॉश करके इसे लगाएं एंड देन सूखने के बाद आप इसे निकाल दें एंड द रिजल्ट इज वेरी ऑसम। सो लेट्स मूव ऑन आवर ग्रूमिंग ट्रिक नंबर 2 व्हिच इज, अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है अपने बियर्ड को शेप में लाने के लिए तो आप क्या करेंगे? सिंपली यूज नेल कटर टू शेप द हेयर। जो आपके एक्स्ट्रा हेयर्स निकल रहे हैं उसे आप नेल कटर से काट के अपने फेस को, बियर्ड को शेप दीजिए और बनिए मोर हैंडसम, मोर अट्रैक्टिव एंड मोर स्मार्टर। इसी के साथ चलते हैं अपने तीसरे ट्रिक पे, वो है अर्जेंटली अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है, किसी डेट पे जाना है, अर्जेंट मीटिंग है, पार्टी से कुछ भी है और आपके बाल स्टिकी है, ऑयली है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली अप्लाई बेबी पाउडर ऑन योर हेयर एंड मेक योर हेयर मोर वॉल्यूमाइज्ड एंड मोर टेक्सचराइज्ड विदाउट एनी स्टिकीनेस एंड ऑयलीनेस। सिंपली टेक सम बेबी पाउडर एंड अप्लाई टू योर वंडरफुल हेयर। इस बेबी पाउडर एक्चुअली करती क्या है कि ये हमारे जितने भी ऑयल्स को अब्सॉर्ब कर लेती है एंड हमारे हेयर को अच्छा टेक्सचर देती है विदाउट एनी स्टिकीनेस, ऑयलीनेस एंड ऑल दैट। गाइस अच्छी स्माइल है तो लड़कियां बढ़ेगी, लेकिन अच्छी स्माइल के लिए आपको चाहिए व्हाइट टीथ जो मिलेगा आपको चारकोल के साथ। चारकोल से दांत धोना अजीब नहीं लगता? नहीं। सो गाइस चारकोल में होते हैं कार्बन एंड कार्बन अट्रैक्ट करते हैं सारे गंदगी को एंड वो बाहर भगा देते हैं सबको। हाँ, सिंपली चारकोल पाउडर में अपने ब्रश को डिप करें एंड देन स्टार्ट डूइंग योर वर्क। चारकोल में होता है कार्बन जो अट्रैक्ट करता है सारी गंदगी को एंड दूर भगा देता है आपके दांतों से। इसलिए चारकोल हर जगह यूज होते हैं, जैसे कि पील ऑफ मास्क, चारकोल फेस मास्क, चारकोल फेस वॉश। सो इसी के साथ चलते हैं अपने 5वें ग्रूमिंग ट्रिक पे जो आपको बहुत सारे दर्द से बचाएगा। गाइस आप एक नया शू लेते हो एंड उसे रॉक करते हो बिना सॉक्स के एंड पहले आप स्टाइल मार रहे हो, वो आई हैव अ शू, आई हैव अ जैकेट एंड आई एम रॉकिंग एंड देन कुछ देर बाद आप बोलते हो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आप अपने पैरों में देखते हो, फिर आपको नजर आते हैं ब्रिस्टल्स जो आपको दर्द दे रहे हैं। गाइस शूज के सरफेस एंड आपके फीट दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से आपके पैरों में होते हैं ब्रिस्टल्स। तो उससे बचने के लिए आप पेपर लगाते हो? नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको जूते पहनने से पहले थोड़ा सा डिओडेंट वहां पर मार लेना है एंड देन रॉक द शू विथ अ कूल जैकेट लाइक दिस। गाइस चलते हैं अपने 6वें ग्रूमिंग ट्रिक पे जो है चैप लिप को ठीक करना। नॉट गोइंग टू रॉक अ परफेक्ट किस विथ योर गर्लफ्रेंड इफ यू हैव अ चैप्ड लिप। गाइस सिंपली आपको एक टूथब्रश लेना है एंड अपने लिप को ब्रश करना है एंड जितने भी एक्स्ट्रा सेल, डेड सेल्स जो हैं वो निकल जाएंगे एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लिप। सो गाइस आपके फेस बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे अगर आपकी आईब्रोज यूनिब्रो है। तो गाइस मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा ही कुछ बीच में आईब्रोज है, उसे हटाने के लिए सिंपली मैं यूज करता हूँ एक ट्विस्ट जो मेरे सारे यूनिब्रोस को निकाल फेंकेंगी। यूनि आईब्रोज चला गया लेकिन आपके आईब्रोज शेप में नहीं है लाइक मी, तो उसको शेप करने के लिए आपको हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे। सिंपली वैक्स यूज कर सकते हो एंड अपने आईब्रोज को शेप दे सकते हो विथ अ टूथ ब्रश जो आपके आईब्रोज को परफेक्ट शेप जैसा आप चाहें वैसा देगा। बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड अगर आप चैनल में नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बंदे को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा एम है तुम्हें स्मार्ट बनाना, तुम्हें हैंडसम बनाना, तुम्हें खुश रखना।